राधे राधे, मैं मोक्ष हूं। इस प्रस्तुति का लेखक और निर्देशक। ये दृश्य देख रहे हैं आप, ये है द्वारिका, जहां सूर्य की पहली किरणों की लालिमा भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं। अच्छा, ये जो माधव के साथ बैठी है, ये कौन है? ये हैं रुक्मिणी। जी हां रुक्मिणी, राधा नहीं। मेरा एक सवाल है आप सबसे, आपको क्या लगता है राधा की जगह रुक्मिणी कहने से इस दृश्य का सौंदर्य कुछ घट रहा है क्या? यही तो व्यथा है उनकी। अच्छा ये सब छोड़िए, अभी चाहे जिसको कैसा भी दिख रहा है ये दृश्य, देखते हैं कृष्ण और रुक्मिणी का ये संवाद किस तलक पहुंचता है। तो आप सभी के सामने पेश करते हैं मेरी एक रचना, क्या ये प्रेम नहीं? अद्भुत रुक्मिणी, मनमोहक। मुझे स्मरण है वो दिन जब मैंने तुम्हें ये नृत्य कला सिखाई थी, और आज देखो तुम तो मुझसे भी अच्छा कर लेती हो। नहीं क्रिश, आपसे अच्छा भला कोई कैसे हो सकता है? वह आप ही है जिससे इस कला का जन्म होता है, और आप ही उसकी पराकाष्ठा भी है। आपकी मुरल की हर एक धुन किसी को भी मंत्र मुग्ध कर देने की माया रखती है। मैं जानती हूँ आप ये सब केवल मुझे प्रसन्न करने के लिए कह रहे हैं। नहीं नहीं रुक्मिणी, मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं तुम्हारे इस प्रस्तुति से अत्यंत मुदित हुआ। समस्त संसार में ऐसा मोहित कर देने वाला नृत्य केवल तुम और मेरी राधा ही कर सकती है। आभार केशव, राधा का नृत्य मैंने कभी देखा नहीं, परंतु उसके बारे में सुना बहुत है। लोग कहते हैं कि
कि जब आप और राधा वृंदावन में रास करते थे तब विश्व की हर एक जीवता पशु पक्षी पत्ता पत्ता भी दो क्षण रुक आप दोनों को निहारता था। कैसा होता है रास माधव? ऐसी कौन सी माया है इस नृत्य में जो सबका मन मोह लेती है, बताइए ना। वन, कृपया अपने सभी वृक्ष नहर पशु पक्षियों से कह दो कि कुछ क्षण शांत हो जाए, केशव विश्राम कर रहे हैं। तो चलो आप सब शांति से बैठो, मैं आप सभी को अपनी कहानी सुनाती हूँ। तो बात है उस समय की जब मैं विदर्भ राज्य की राजकन्या थी, महाराज भीष्मक की पुत्री और पांच पांच भाइयों की अकेली बहन मैं रुक्मिणी। एक दिन नगर में एक युवक के चर्चे उठे। लोग कह रहे थे कि ग्वाले ने महाशक्तिशाली कंस का वध कर दिया। मैं तो ये सुनकर ही आश्चर्य में पड़ गई कि भला कोई चरवाहा इतना बलवान कैसे हो सकता है। बातें तो ऐसी भी थी कि वो स्वयं श्री नारायण का अवतार है, नाम है कृष्ण, वासुदेव कृष्ण। मुझे तो नाम से ही प्रेम हो गया। सुन रहे हो ना? चलो, कहने को तो सारे यानी सारे सुख थे मेरे पास, किंतु अभिलाषा थी तो केवल श्री कृष्ण। यौवन अवस्था में पहुंचने तक ऐसा एक भी दिन नहीं बीता जब मैं उनके साथ अपनी जीवन की कहानियां नहीं बुनती थी। मेरे पिता ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय किया, परंतु मेरे मन से कृष्ण को अलग करना तो मानो ये आसमान से उसके नीले रंग को अलग करने के समान है। मैंने दो घड़ियां बनकर उन्हें याद किया। हे वासुदेव, आप तो सब जानते हैं, फिर मेरा दुख आप तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? और अगर पहुंच पा रहा है तो आप क्यों नहीं आ रहे? बस इतना कहना ही हुआ कि कृष्ण रथ पर सवार इन सारी दुविधाओं से दूर मुझे अपने साथ द्वारिका ले आए। रास्ते में तो मैं बस उन्हें ही देखती रही। आसपास बहुत हरियाली थी, फूल खिले, नीला गगन था, ये सुंदर धरा थी, किंतु उनके साथ नहीं, सब कुछ बेरंग लग रहा था। मैं यही सोच रही थी कि इतना अलौकिक सौंदर्य तब समझ गई राम। फिर हम द्वारिका पहुंचे, हमारा भव्य स्वागत हुआ। मेरा हृदय तो मानो हिरण की तरह इधर उधर छलांग मार रहा, ऐसे लग रहा था जैसे मेरा स्वप्न यथार्थ सत्य बन चुका है, यथार्थ सत्य बन चुका है। परंतु फिर मैंने देखा कि नगर की हर एक कपाट पर केवल दो नाम लिखे थे, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। क्या ये थी मेरी अभिलाषा? ये बड़े बड़े महल, ये सुंदर सुंदर सुवर्ण आभूषण, ये मान सम्मान और न जाने क्या क्या। क्या कृष्ण से विवाह कर मैंने ठीक किया? क्या उनकी पत्नी बनकर मैंने ठीक किया? या वो प्रेयसी ही सही थी जो खिड़कियों से झांक कर चंद्रमा में उनकी छवि को ढूंढती थी? ऐसे कई प्रश्न थे मन में जिनका उत्तर मेरी आंखें कृष्ण के उन शीतल नैनों से मांगती थी, किंतु मुख तो हमेशा सिला रहा मौन, और आज भी मौन ही रहता है। मैं इतनी शक्ति अपने भीतर कभी जुटा ही नहीं पाई कि उनसे ऐसी कुछ बात कर सकूं। उनसे ऐसी कुछ बात।
कौन से प्रश्न? कौन हूँ मैं? ये तो भली भांति जानती हूँ कि कृष्ण ही विष्णु का अवतार है, वही द्वापर युग के राम है, परंतु क्या मैं उन राम की सिया हूँ? क्या ये लोग अनंत काल तक मेरे प्रेम की तुलना राधा के प्रेम से करते रहेंगे? क्योंकि मैंने तो नहीं की कभी भी किसी भी प्रकार की तुलना। मैंने किया है तो केवल और केवल निस्वार्थ प्रेम। पता है आप लोगों, जब कृष्ण स्नान कर बाहर आते हैं तो उनकी ये लंबे घने केश मैं अपने हाथों से एक एक कर सुलझाती हूँ। क्या ये प्रेम नहीं? या कृष्ण जब रथ पर सवार हो युद्ध के लिए निकलते हैं तब खिड़की में बैठकर चिंता में की धड़कनों को रोक कर सुनती हूँ। क्या ये प्रेम नहीं? या जब भी कृष्ण राधा की प्रशंसा को सुन अपने भीतर अपने मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले वो अनगिनत भावों को अंदर ही घोट कर अपने मुख पे मुस्कान लिए सुनती रहती हूँ। क्या ये प्रेम नहीं? कभी कभार तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं वो अभागी पत्नी हूं जिसे विवाह के नाम पर एक श्राप मिल गया, जिसका पाप उसने कभी किया नहीं, कभी किया नहीं। मुझे क्षमा कर दो रुक्मिणी। आप उठकर ये क्या कर रहे केशव? से क्षमा मत मांगिए। मुझे क्षमा कर दो रुक्मिणी। कहने को तो मैं सर्वज्ञ अंतर्यामी हूं, किंतु तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है मेरे पास। तुम्हारी प्रेम की सीमा यह समाज चाहे जाने या ना जाने, लेकिन तुम्हारे इस निस्वार्थ प्रेम का मैं हमेशा ऋणी रहूंगा रुक्मिणी। इतना ही कह सकता कि अगर मेरे हृदय की एक धड़कन राधा है तो दूसरी केवल और केवल तुम। मुझे क्षमा कर दो रुक्मिणी, मुझे क्षमा कर दो।